दैनिक दबंग दुनिया ने अपने मुख्य पृष्ठ पर इंदौर में कैलासा बास्केटबॉल अरीना का शिलान्यास लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने खेल मंत्री द्वारा खेलों में पक्षपात की बात को स्वीकार करने के बारे में भी लिखा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कांग्रेस से 6 साल के लिए निलंबित करने की खबर को भी अखबार ने पहले पेज पर लिया है। अखबार ने लिखा है कि नाम वापसी के लिए सौदेबाजी की गई थी, जिसका एक टेप सामने आया था, जिस पर कांग्रेस ने ये कार्रवाई की है। वहीं अखबार ने अफसरों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने और कल से 27 फरवरी तक मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय समीक्षा किए जाने की खबर राजपेट पर प्रकाशित की है। अखबार लिखता है कि सीएम मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, जिसके बाद उनके कार्य के आधार पर अफसरों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। गुरदासपुर में सेना की वर्दी में 2 संदिग्ध दिखाई देने के बाद हाई अलर्ट जारी करने की खबर को अखबार ने देश विदेश पीठ पर प्रकाशित किया है। अखबार ने एनआईए के एसपी सलविंदर के साथ क्राइम सीन को दोहराए जाने के बारे में भी लिखा है। देश विदेश पेज पर दिल्ली सरकार द्वारा नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की खबर को अखबार ने छापा है। अखबार ने निजी स्कूलों को चेतावनी जारी करने के बारे में लिखा है।